आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। एटा थाना पिलुआ में आशा बन कर कार्य कर रही रूबी पत्नी गिरीश कुमार की मौत हो गई, जिसकी आर्थिक मदद के संबंध में एडीएम को ज्ञापन दिया गया। यहाँ एटा थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित ग्राम चौगा मोड़ के पास सुबह करीब 8 बजे सिकंदरा दाव की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक नंबर PG11CJ4519 के चालक ने टेम्पो में मारी टक्कर, जिसमें बैठी आशा पथ पर कार्य कर रही रूबी पत्नी गिरीश कुमार निवासी नगला गुला थाना पिलुआ पल्स पोलियो की मैगजीन लेकर जा रही थी। मौके पर उसकी मौत हो गई, जिसके दो बच्चे जिसमें 9 वर्षीय लड़का एवं 7 वर्षीय लड़की है। उसका पति मजदूरी करता है, जिसकी परिवारजन व आशाओं ने आर्थिक मदद की गुहार एडीएम से लगाई। की मांग है मुआवजे की, किस तरीके से दिया जाएगा, कैसा क्या है मुआवजा? नहीं, आशा कार्यकर्ता की सुनाई थी, एक्सीडेंट में दुर्घटना में मृत्यु हुई है जी, और उनका परिवार पहले सीएमओ साहब से मिला है और उसके बाद आज कलेक्ट्रेट में भी आए हैं, और उनका कहना ये था कि जो बच्चों के पिता हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, और सारा जो उनका लालन पालन का जिम्मा था वो आशा कार्यकर्ता का ही था। 3 बच्चे उनके जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, सीएमओ साहब ने अपनी तरफ से जो आशा इंश्योरेंस के नाम से एक स्कीम गत वर्ष आई थी, उसमें ये है कि उनके पास ये भूमि हुई, कोई रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं और एकमात्र जो सारा उनका जो सारा थी लालन पालन तो वो नहीं रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बेटा दी थी, उसके लिए जिलाधिकारी मंडल से ये बात को रख करके और यहाँ से उनसे सभी लगाई जाएगी, और मैं आशा है कि स्थिति को विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बेटा दी कोशी कोई धनराशि आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। किस क्लास में पढ़ते बेटा? कितने भाई बहन हैं? कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्या आप कोई आश्वासन दिया प्रशासन ने? डीएम साहब, एडीएम साहब ने क्या कहा? एकलव्य विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल राजघाट कालपी जालौन, प्ले ग्रुप 2 8, व्यवस्थाएं स्वच्छ एवं साफ सुथरा, वातावरण खेलकूद का मैदान, योग्य एवं अनुभवी टीचर्स, प्रत्येक कक्षा में 2 टीचर्स, मासिक शुल्क नर्सरी से 5th क्लास तक मात्र ₹300, कोई अन्य शुल्क नहीं। वहीं बच्चे प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तक पहुंचाना, किसी प्रकार का वादा या प्रलोभन नहीं। यहाँ 25 सालों से शिक्षा जगत में विश्वसनीय संस्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण संस्कार, श्रम शिक्षा का वातावरण, रायघाट कालपी जालौन, 9451702766। राम उजागर यादव ग्राम देवकली प्रधान एवं संदीप कुमार गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।